हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके लैपटॉप में जो टच पैड होता है उस पर हम लोग मोस्टली है वो सिंगल फिंगर से ही यूज़ में लेते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ यदि आप डबल फिंगर से उसे टच करते हो तो क्या होता है, 3 अंगुलियों से टच करते हो तब क्या होता है, और जब 4 अंगुलियों से टच करते हो तब क्या होता है, 5 5 अंगुली है नहीं, 4 से ही होता है। तो ये सब मैं बात बताने वाला हूँ। टच करने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा जब आप अप डाउन करते हो तब क्या होता है, लेफ्ट राइट करते हो तब भी क्या होने वाला है। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो के अंदर लैपटॉप में टच पैड के अंदर अंगुली करना सीखने वाले हैं। वैसे अंगुली नहीं, जैसे अंगुली करना वैसे नहीं हम लोग सीखने वाले हैं कि अंगुली टच करने से टच पैड के अंदर लैपटॉप में क्या क्या प्रोग्राम्स ओपन होते हैं या क्या क्या फ्यूचर है वो हमें मिलते हैं। तो बेसिकली हम लोग सब ये जानने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और चल के देखते हैं कि टच पैड पर बेसिकली हम लोग सिंगल फिंगर, डबल फिंगर, ट्रिपल फिंगर या 4 फिंगर से टच करते हैं तब क्या होने वाला है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, यदि आप ये सब पहले से जानते हो तो वीडियो को स्किप कीजिए, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट है वो बिल्कुल नहीं करना चाहता। और यदि नहीं पता है तो वीडियो खास करके आप लोगों के लिए है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और चल के देखते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम लोग सिंबल टैप करते हैं किसी फोल्डर पे तो जो फोल्डर है वो सेलेक्ट हो जाता है, और उस पर भी हम लोग जब डबल क्लिक करते हैं तब वो ओपन हो जाता है। जब मैं यहाँ पे कहीं पे भी 2 बार 2 अंगुली टच करूँगा एक साथ तो देखिए क्या ओपन होता है, ये रिफ्रेश वाला है वो ओपन हो जाता है। यानी हमें जो पैड का होता है वो जो लेफ़्ट क्लिक होता है वो हमें रिफ्रेश करने के लिए क्लिक नहीं करना पड़ता, हम लोग डायरेक्ट ऐसे 2 बार टैप करेंगे, 2 अंगुलियों को एक साथ टच करेंगे पैड पे तो ये रिफ्रेश वाला ऑप्शन है वो आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आगे से आप ऐसे ही रिफ्रेश है वो करोगे। अब दोस्तों, डबल टच करने से टच पैड के अंदर हम लोग सीख चुके हैं कि रिफ्रेश वाला ऑप्शन है वो आता है। अब हम सीखेंगे कि यदि आप 3 बार टच करते हो टच पैड के अंदर तब क्या ऑप्शन है वो ऑन होने वाला है। तो स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं 3 बार है टच पैड पे टच कर रहा हूँ तो ये वाला सिस्टम है वो ओपन होता है, जिसको हम लोग टेकिंग कॉर्टेना बोलते हैं। जैसे हम लोग गूगल के अंदर बोल के कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग कोई भी चीज़ है वो सर्च कर सकते हैं अपने विंडो के अंदर। दोस्तों, आप देखते हैं कि यदि हम लोग लैपटॉप के टच पैड के ऊपर यदि 4 अंगुलियाँ एक साथ टच करते हैं तब क्या फंक्शन है वो ऑन होता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे ही आप 4 अंगुलियाँ एक साथ प्रेस करते हो तब आप देख रहे हो कि विंडो का जो नोटिफिकेशन वाला सिस्टम होता है वो है ऑन हो जाता है। तो जब भी आपको नोटिफिकेशन विंडो ऑन करना होता है, नोटिफिकेशन मैनेजमेंट ऑन करना पड़ता है, उस समय आप लोग टच पैड के ऊपर 4 अंगुलियां एक साथ टच करोगे तब नोटिफिकेशन मैनेजमेंट है वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने स्टेप सीखे हैं वो सारे के सारे टच करने पे सीखे हैं। अब जैसे हम लोग माउस को इधर उधर सिंगल अंगुली से स्क्रॉल करते हैं तो डायरेक्ट वो इसको मतलब यहाँ से वहाँ पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। यदि अपने 2 अंगुलियों को टच करके करते हैं तब क्या होता है, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ एक ब्राउज़र के अंदर इस क्रोम ब्राउज़र के अंदर चेकअप करा देता हूँ। जैसे मैं 2 अंगुली से देखो ऐसे कर रहा हूँ तो ये जो वीडियो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। तो 2 अंगुलियों से हम लोग जब भी ऊपर नीचे करेंगे तब ऐसा होने वाला है। बल्कि यही नहीं, कोई सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम लोग जैसे क्रोम है या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है उसके अंदर हम लोग भी करेंगे तो भी ऐसा ही होगा। या हम लोगों ने कोई ऐसा फोल्डर ओपन कर रखा है जिसमें म्यूजिक वगैरह हो या जो भी हो, वीडियोज़ हो, तो इस फोल्डर के अंदर भी मैं आपको 2 अंगुलियों से देखो ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं 2 अंगुली एक साथ टच करके और उसको इस ऊपर नीचे लेता हूँ तब ये सारा सिस्टम है वो होता है 2 अंगुलियों से। तब उस आप लोगों को यहाँ से माउस से पकड़ कर ऐसे ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं होती, आप 2 अंगुलियों से डायरेक्ट वो ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो लैपटॉप के टच पैड से। इसी में आप ऊपर नीचे करोगे तब अप डाउन होता है, यदि लेफ्ट राइट करोगे तब लेफ्ट राइट है वो होता है। अब दोस्तों, यदि आप 3 अंगुलियाँ लेफ्ट राइट या अप डाउन करते हो तब क्या होता है एक साथ में,
तो मैं आपको दिखाता हूँ टच पैड पे टच करके। तो देखिए मैं अब तीन अंगुलियाँ रख के एक साथ वो ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो भी अपने विंडो के अंदर प्रोग्राम्स ओपन होते हैं वो ओपन हो चुके हैं। अब लेफ़्ट राइट करेंगे तो ये देखिए लेफ़्ट राइट हो रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे आगे लेना है, आगे और लेंगे जैसे जैसे अब पीछे लेंगे तो पीछे आ रहा है, राइट लेंगे तो राइट की तरफ आएगा, लेफ़्ट लेंगे तो लेफ़्ट की तरफ आएगा। तो बेसिकली हम लोग इसको यूज भी ले सकते हैं विंडो के ऊपर तीन अंगुलियों को अप डाउन करके या लेफ़्ट राइट करके किसी भी फोल्डर को मिनिमाइज करके किसी भी फोल्डर के अंदर है वो जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और इजी है, जिससे हम कम टाइम के अंदर किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज किया हुआ है उसके लिए हम लोग वहाँ से यहाँ तक बहुत ही इजी तरीके से जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर करें। बेसिकली आप इसका यहाँ पे भी यूज़ ले सकते हैं, जैसे मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, अचानक कोई आ जाए तब आपको एक फोल्डर से दूसरा फोल्डर वो मिनिमाइज़ करना है, गेम वाला है वो हटा के दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर करना है, तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है एक टाइप का। अब मैं जज नहीं करूँगा कि आप इसका कहाँ पे यूज़ करो, मैंने तो आपको बता दिया आप गेम वगैरह मिनिमाइज़ करने के लिए कर सकते हो, लेकिन आप जहाँ जैसे भी आप अपने हिसाब से करना चाहो इसका यूज़ है वो कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तीन अंगुलियाँ रख के यदि लैपटॉप के टच पैड पे ऊपर नीचे टच करते हो तो आपको मैं एक खास बात और बता दूँ, जैसे मैं आगे ऊपर कर रहा हूँ फ्लोर टच कर आपको ऊपर यहाँ पे एक न्यू डेस्कटॉप नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यदि आप गौर करके देखो तो न्यू डेस्कटॉप यहाँ ऊपर, तो इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कोई भी डेस्कटॉप आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, मैंने ये सेकंड कर लिया। अब आप नीचे देख रहे हो ना कोई भी फंक्शन है वो ऑन दिखाई नहीं दे रहा है। सपोज मैंने कोई वेबसाइट ओपन कर रखी है या मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, तब उस समय दौरान आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा कि मैंने क्या क्या प्रोग्राम में वो ऑन किए हुए हैं। तो मैं इससे इसके अंदर डायरेक्ट वो स्विच हो सकता हूँ, पर जैसे ही मैं थ्री अंगुलियाँ रख के वापस स्क्रॉल अप डाउन करूँगा तो मुझे वापस आ जाएगा, तो मैं डेस्कटॉप के अंदर वापस आ जाऊँगा तो मेरे जितने भी जो फोल्डर्स ओपन वगैरह है वो सारे इसको दिखाई देंगे। तो बहुत ही सिंपल और ईजी ट्रिक है, इसका यूज वो ज़रूर करें। आप जब भी गेम खेलते हो या वेबसाइट कोई भी ओपन करते हो तब उस समय दिखाने वो है पता नहीं चलेगा सामने वाले को। जैसे देखो मैं अभी आपको फिर से चेक करता हूँ, तो अभी मैंने ये सारे मेरे ओपन हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब भी मैं डेस्कटॉप नंबर 2 में इंटर करता हूँ तब कोई भी फंक्शन है वो नीचे आप दिखाई दे रहे हो, कोई भी फंक्शन ओपन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब भी मैं वापस उसी के अंदर फर्स्ट वाले डेस्कटॉप में जाता हूँ तब सारे फंक्शन ये देखो ओपन पड़े हैं, तो आप गौर कर रहे हो। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो गेम के लिए कहीं भी, जैसे आप कोई ऑफिस में वर्क कर रहे हो और आप गेम खेल रहे हो, अचानक कोई आ जाता है तो सडनली आप इसका यूज़ कर सकते हो और सामने वाले पता नहीं चलेगा आपने क्या क्या वो ओपन कर रखा है। अब दोस्तों लास्ट एंड बचाए फोर फिंगर, यदि हम लोग अप डाउन या लेफ्ट राइट करते हैं तब क्या होता है, तो जैसे मान लो आप कुछ गेम वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हो और सडनली आपके पेरेंट्स वो एंट्री कर दे, उस समय के दौरान आपको क्या करना है, सिर्फ फोर्थ अंगुलियाँ वो पेरेंट और अपनी लेफ्ट या राइट या अप डाउन स्क्रॉल करना है, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही पेड पे चार अंगुलियाँ रखी, लेफ्ट राइट किया, तब ये देखिए अब जो नया विंडो पॉप ऑन हुआ है उसके अंदर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर है वो ऑन नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप विंडो प्लस कर करके और भी बहुत सारे अलग अलग फाइल्स है वो रन करा सकते हो। तो वापस जैसे जाना है, मैंने अभी लेफ्ट किया था, अब मैं राइट कर दूंगा तब मैं वापस उसी विंडो के अंदर आ जाऊँगा, तो ये देखिए विंडो वापस उसी विंडो के अंदर है वो आ गया। तो बेसिकली इसका यूज़ है हम लोग सिंपली शॉर्टकट के अंदर कर सकते हैं। वैसे यूज़ तो वही थ्री अंगुलियाँ रख के करते थे, वैसे ही फोर वाले का यूज़ है, लेकिन ये शॉर्टकट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ, धन्यवाद। तो दोस्तों बेसिकली आप लोग इस तरीके से सिंगल फिंगर, डबल फिंगर या फिर ट्रिपल या फोर फिंगर का यूज़ करना है वो टच पैड पे सीख गए होंगे, स्पेशली लैपटॉप पर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।